साउंड 1-7 एक्शन। तो भाई फिलहाल तैयार हो गए हैं और ये है मेरा आज का लुक, जो कि नॉर्मल टी शर्ट और पैंट। और फिलहाल देखो भाई अभी कैसा व्यू आ रहा निकल के, क्योंकि आज हो रहे सुबह से ही बादल, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन ठंडा ठंडा व्यू के साथ मजा आ रहा है एक नंबर का। और साथ में हम लगवा रहे हैं एसी, जिससे कि और ज़्यादा कूलिंग बढ़ जाएगी। आज ही हम यहाँ पे देख लेंगे भाई कुल्लू मनाली, एक नंबर की फीलिंग आने वाली है। अभी जा रहे हैं साइड पे और वहीं पे जाके मिलते हैं आपसे। तो राम राम जी, कैसे हो भाई सभी लोग। फिलहाल आज का मौसम भाई क्या मजेदार हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी आ गई हो। कल शाम तक बारिश पड़ती रही, आज सुबह से स्टार्ट हो गई है और वाह बड़ा सुकून मिल रहा है भाई, एक एक बूंद पड़ रही है, मजा आ रहा है। और रात की नींद जबरदस्त आ गई है, मजा ही आ गया है। तो फिलहाल चल रहे हैं साइड में और देखते हैं आज क्या क्या काम करना है। वैसे तो क्या रहता है ना, ऐसे मौसम में हम ज्यादातर लेबरों की छुट्टी कर देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत काम हो जाएगा तो अच्छी बात है। और ये देखो सुबह से ही बारिश। तो ये जो आप मशीन देख रहे हो ना, ये हमने लगा रखी है एकदम टॉप फ्लोर पे, इससे चढ़ता है हमारा मटेरियल, जो कि भाई ऐसे आम लोगों को लाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसी के थ्रू आता है इस ट्रॉली में। तो कभी कभी मैं भी इसे चला के देख लेता हूँ। तो ये है अपनी साइड के ऊपर का व्यू भाई, जो कि यहाँ से पूरा ऋषिकेश से ऑलमोस्ट दिखने ही लगता है, यानी कि 50-60% तो दिखे जाता है। फिलहाल व्यू देखो कितना शानदार लग रहा है ना, क्योंकि आज मौसम भी एकदम लाजवाब हो रखा है। और इस कव्वे को देखो आप योगा कर रहा है, दोनों टांग ऐसे फैला रखी है जैसे कि योगा ही चल रहा है भाई एक तरीके का इसका। भैया 25 की 32 की लू कहाँ से बता, गाड़ी में पड़ी होगी 32 की ले से फालतू ब्लॉग बन रही तेरी। तो अभी टाइम हो गया अपने पेड़ों को देख के आने का, क्योंकि बारिश पड़ने के बाद थोड़ा से तो अच्छे हो गए हैं, हल्के हल्के पत्ते भी आ गए, वैसे देखने में काफी ज्यादा सही लग रहे हैं। ये पेड़ सूखने लगा था और जैसे ही बारिश हुई ना, देख लो नई नई पंखड़ी निकली आई भाई इसमें, हो रहा ना कितना मस्त हो रहा है। वाह पेड़ों को देख कर बहुत अच्छा लगा, जैसे जैसे नए नए पत्ते निकल रहे ना मस्त लग रहा है। देख भाई 3-4 हो रहे जो गाय खा गई है, जैसे कि ये खा गई भाई, लेकिन ऊपर से हरा हो रहा है और इस पे शायद निकल के भी आ रहा है हल्का सा फूल सा, बढ़िया लग रहा है। इसकी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, 3 ना पेड़ के तो ऊपर से खाई गई है, पर ये अभी भी सही है। इनके पास झाड़ी लगानी पड़ेगी मुझे कुछ ना कुछ। अब सही हो गया ना, झाड़ी के बीच में हो गया, पता भी नहीं चल रहा कौन सा झाड़ी कौन सा पेड़ है। बस ऐसे ही ये वाला और कर देता हूँ, इसके भी चारों तरफ झाड़ी सी लगा देता हूँ, फिर जैसे पत्ते आएंगे तो एकदम से पता नहीं चलने का गाय को। अब ठीक हो गया ना, मैंने भाई झाड़ी वाड़ी लगा दी साइड से, बस अपना एक ही पेड़ है जो कि जा रहा, अब तो मुझे भी नहीं दिख रहा कौन सा वाला पेड़ है। ओ ये रहा, ये है भाई इधर से, बस पत्ते आ जाए मजा आ जाएगा। आ गए पत्ते नए नए पेड़ पे, लेकिन ये हरे हो रहे अभी, बस इसकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी यार। तो फिलहाल टाइम हो गया 7 बज गए और हम जा रहे हैं अपनी डांस क्लास, जो कि देखते हैं भाई आज क्या सिखाया जाता है, क्योंकि आज हमें योगा ही करना सिखाया जाएगा। आज मैं बिल्कुल टाइम पे जा रहा हूँ ना, इसीलिए तो सबसे पहले योगा ही सिखाया जाता है कुछ इस तरीके, जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। तो खैर बने रहे वीडियो में और देखते रहे भाई कैसे कैसे किया जाता है।